आज हम स्टार्ट करते हैं ओरेकल में से किस तरीके से डेटा को एक्सेस किया जाता है। डेटा एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम ओरेकल स्टार्ट करते हैं और ओरेकल स्टार्ट करने के साथ हम सबसे पहले अपने एसक्यूएल प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड हमको एंटर करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एसक्यूएल प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा। अब बारी आती है इसके अंदर किस तरीके से हमको डेटा को एक्सेस करना है। तो डेटा एक्सेस करने के लिए हमारे पास कमांड होती है स्पूल। स्पूल कमांड के द्वारा हमको सबसे पहले वो पाथ स्पेसिफाई करना होता है जिस पाथ में हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, यानी कि हम जो डेटा एक्सेस करेंगे ओरेकल से उस डेटा को किसी फाइल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले उस फाइल का नाम और उस फाइल का पाथ, वो दोनों चीज़ें हमको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी स्पूल कमांड के साथ। अच्छा, जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, वो .txt हो सकता है, एक्सेल के फॉर्मेट में हो सकता है .xls या .pdf हो सकता है, जिस किसी भी फॉर्मेट के अंदर हमको फाइल चाहिए अपने टेबल से डेटा की, उस फॉर्मेट के अंदर हम उसको स्टोर करने के लिए उसका एक्सटेंशन दे देंगे और कुछ ना कुछ फाइल नेम दे देंगे। और हाँ, यहाँ पर हमको उस फाइल को स्टोर करने के लिए पाथ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम पाथ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव में जा करके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी फाइल। तो हमने स्पूल ऑन किया और फाइल का पाथ दिया। अब उसके बाद जो फाइल हमारी क्रिएट होगी उस फाइल में रिकॉर्ड्स को समझने के लिए हम एक हेडिंग देंगे। अब वो हेडिंग क्या होगी? टाइटल, यानी कि जिस टाइटल को पढ़ने के बाद हमारा यूजर समझ सकता है कि किस तरीके का रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर शो हो रहा है या किस तरीके का रिकॉर्ड इस फाइल के अंदर शो हो रहा है। तो टाइटल स्पेस सेंटर, ये कमांड है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो टाइटल जो टाइटल आप देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइटल देते हैं टाइटल स्पेस सेंटर के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स। इससे ये समझ में आएगा कि हाँ, हमारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स की बात यहाँ पर हो रही है। अगर आप टाइटल नहीं देंगे तो विदाउट टाइटल आपका यूजर कैसे समझेगा कि किस तरीके का काम आपने एक्सेस किया है या किस तरीके की डिटेल आपने यहाँ पर एक्सेस की है या इस फाइल के अंदर क्या डिटेल्स हैं। इतना करने के बाद अब आपको कमांड देनी होगी जिस कमांड के थ्रू आप अपने डेटा को एक्सेस करेंगे। तो कमांड कुछ भी हो सकती है, जो जो फील्ड्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फील्ड्स दे दीजिए। तो हमने कमांड यहाँ चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स, यानी कि जॉब नाम के टेबल से सारा डेटा हमारे सामने आ जाए। तो इस कमांड के बाद देखिए हमारे सामने जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर दो पार्ट में डेटा आ रहा है। रीज़न ये है क्योंकि SQL में पेज साइज जो होता है 14 लाइंस का होता है। तो लाइंस को बढ़ाने के लिए हमने एक दूसरा हमने दे दिया यहाँ पर कमांड सेट पेज साइज। पेज साइज का मतलब अब 120 हो गया, यानी कि एक पेज में 120 लाइंस आ सकती हैं। तो देखिए तुरंत जो ऊपर दो पार्ट में डेटा हमारा आ रहा था वो पूरा डेटा हमारा एक पार्ट में हो गया, क्योंकि एक पेज का साइज था 14 लाइंस, तो दोनों का साइज बढ़ा के हमने कर दिया यहाँ पर। तो इससे दोनों जब पेज साइज बढ़ गया तो दोनों पेज का डेटा एक पेज पे आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास टेबल्स में बहुत ज़्यादा डेटा हो और बहुत ज़्यादा डेटा वो एक पेज पर हमको डिस्प्ले करना है तो एक लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वो डेटा क्या होता है, एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में आता है। तो हम अपनी लाइन का साइज बढ़ाने के लिए हमने कमांड की सेट लाइन साइज 170 या 150 कुछ भी सकते हैं हम। इससे क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम देंगे उतने कैरेक्टर्स हमारी एक लाइन के अंदर आ सकते हैं, और अगर वो उससे ज्यादा होंगे तो वो नहीं आएंगे। लेकिन ये हमने साइज स्पेसिफाई कर दिया, उससे हुआ क्या कि देखिए इस तरीके से डेटा आपके सामने आ जाएगा। इससे क्या हो रहा है, इससे ये तब काम करता है जब आपके टेबल्स में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और वो कॉलम्स आपको रिट्रीव करने होते हैं डेटाबेस में से और उनको पेज पे डिस्प्ले करना होता है। तो जब बहुत सारे कॉलम्स का डेटा आप डिस्प्ले करना चाहेंगे तो क्या होगा कि कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। अब उन कैरेक्टर्स को एक ही पेज में डिस्प्ले करने के लिए आपको लाइन साइज देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हमने स्पूल को ऑफ किया। स्पूल ऑफ करने के बाद हमारी फाइल यहाँ पर जाके सेव हो गई। अगर आप स्पूल ऑफ नहीं करेंगे और सीधे इस फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अब फाइल में डेटा दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने स्पूल को ऑफ कर दिया था, यानी कि डेटा का जो रिट्रीवल है वो प्रोसेस ऑफ कर दिया और पूरी फाइल क्रिएट हो गई।